हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस बायोग्राफी वीडियो में अपन बात करने वाले कपिल शर्मा के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे उनकी एज, गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली, इनकम, कार कलेक्शन, हाउस और साथ ही बात करेंगे उनके कॉमेडी करियर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके रियल नेम से। तो उनका रियल नेम है कपिल पुंज, साथ ही उनका निक नेम है कप्पू और टोनी। प्रोफेशन से कपिल कॉमेडियन, एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर और एक होस्ट है। कपिल का जन्म 2 अप्रैल 1981 को हुआ था। अभी 2021 में वे 40 साल के हो चुके हैं। कपिल का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था, साथ ही उनका होम टाउन भी अमृतसर पंजाब में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर से कंप्लीट की है। इसी के साथ ही उन्होंने अपना कॉलेज हिंदू कॉलेज अमृतसर और अपिजय कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जालंधर से कंप्लीट किया है। बात कर लेते हैं उनके ग्रेजुएशन के बारे में, तो उन्होंने बीए कंप्लीट किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं उनकी हॉबीज़ के बारे में, तो उनको सिंगिंग करना बहुत पसंद है। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं उनके कॉमेडी करियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, कपिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे और साथ ही उनके परिवार में कोई भी इंटरटेनमेंट बैकग्राउंड का ना होने की वजह से कपिल को अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। आपको बता दें, कपिल अपने कॉलेज के दिनों में पॉकेट मनी के लिए कॉमेडी भी किया करते थे। साथ ही आपको बता दें, कपिल नेशनल लेवल थिएटर विनर भी थे। साल 2004 में कपिल के पिता की डेथ हो जाने के कारण कपिल ने पीसीओ और कपड़े की दुकान में भी काम किया। दोस्तों बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि कपिल के पास एक्टिंग कोर्स की फीस देने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने टैलेंट की वजह से बहुत से इंस्टीट्यूट कपिल की एक्टिंग कोर्स की फीस स्पॉन्सर किया करते थे, जिसके बदले में कपिल उन कॉलेज को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया करते थे। कपिल ने सबसे पहले कॉमेडी बेस्ड पंजाबी टीवी शो हंसते हंसांदे रहो में पार्टिसिपेट किया, जो MH1 चैनल पर आया करता था। इसके बाद कपिल ने दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 का ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए कपिल ने इस शो में एंट्री की और इस शो को जीता भी, जिसके बाद कपिल को विनिंग प्राइज के तौर पर 10 लाख रुपये दिए गए, जो उन्होंने अपनी सिस्टर पूजा शर्मा की शादी में खर्च किए। जिसके बाद कपिल सिंगर बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए, लेकिन कपिल को कोई भी काम नहीं मिला। जिसके बाद साल 2010 में कपिल ने कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार में पार्टिसिपेट किया और इस शो को जीता भी। कपिल ने कई टीवी शो को होस्ट भी किया है, जैसे कि झलक दिखला जा सीजन 6 और छोटे मियाँ जैसे टीवी शो शामिल है, लेकिन कपिल को अभी भी वह पहचान नहीं मिली थी जो वह अपने लाइफ में चाहते थे। लेकिन कपिल भी हार ना मानते हुए बड़ा सपना मन में सजोए मेहनत करते रहे। फिर कपिल के लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया साल 2013 में, जब उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली, जिसका नाम था K9 प्रोडक्शन, जहां कपिल ने खुद का कॉमेडी शो बनाया, जिसका नाम था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जो कलर्स टीवी पर आया करता था, जो देखते ही देखते इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेटिंग टेलीविजन शो बन गया। और इस शो को कपिल ने 3 सालों तक चलाया। साल 2016 में कलर्स टीवी के साथ कुछ इशू के चलते यह शो बंद करना पड़ा, जिसके बाद साल 2016 में कपिल ने दी कपिल शर्मा शो चालू किया, जो सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आया करता है, जिसके बाद लाखों लोगों ने कपिल की कॉमेडी को पसंद किया और अगेन इंडियाज हाईएस्ट रेटिंग टीवी शो में शामिल कर दिया, जो अभी भी सोनी टीवी पर आया करता है। इस बीच कपिल ने कई अवार्ड शो को होस्ट भी किया, जिसमें से कुछ इस प्रकार है, 60, 61, 62 फिल्मफेयर अवार्ड, स्टार गिल्ड अवार्ड, 22 स्टार स्क्रीन अवार्ड जैसे शो शामिल है। दोस्तों आपको बता दें, कपिल ने कॉमेडी सर्कस के 6 सीजन को भी जीता है और इसी के साथ वह पहले कॉमेडियन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉमेडी शो को जीता है। आपको बता दें, कपिल ने 10 से भी ज़्यादा टीवी शो में काम किया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है, दी कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कॉमेडी सर्कस, फैमिली टाइम विद कपिल, दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, छोटे मियाँ जैसे टीवी शो शामिल है। इसी के साथ कपिल ने एज अ एक्टर एंड प्रोड्यूसर 15 से भी ज़्यादा बॉलीवुड और पंजाबी मूवी में काम किया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है, किस किस को प्यार करूँ, फिरंगी, सन ऑफ मंजीत सिंह, लव पंजाब, भावनाओं को समझो जैसी मूवी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें, कपिल शर्मा को इंडियन टेलीविजन अवार्ड, स्टार गोल्ड अवार्ड और सोनी गिल्ड अवार्ड भी मिल चुके हैं। आपको कपिल शर्मा कैसे लगते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, कपिल के फादर का नाम जितेंद्र कुमार पुंज है,
जो कि प्रोफेशन से एक पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। साथ ही उनके मदर का नाम जनक रानी है। इसी के साथ उनकी एक बहन और एक भाई भी है। उनके भाई का नाम अशोक कुमार शर्मा और उनकी बहन का नाम पूजा शर्मा है। अब बात कर लेते हैं उनकी गर्लफ्रेंड और वाइफ के बारे में। उनके वाइफ का नाम गिन्नी छत्रक है, जो कि प्रोफेशन से एक कॉमेडियन और एक इंटरप्रेन्योर है। साथ ही उनकी एक बेटी भी है। उनके बेटी का नाम अनायरा शर्मा है। अब बात कर लेते हैं उनकी इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, कपिल शर्मा पर एपिसोड के 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसी के साथ ही एज अ एक्टर काम करने के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। किसी भी शो में एज अ होस्ट काम करने के लिए पर एपिसोड का 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 20 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। अब बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। तो नंबर वन पे है मर्सिडीज बेंज S350D, जिसकी कीमत है 1.36 करोड़ रुपीस। सेकेंड नंबर पे है रेंज रोवर इवॉक, जिसकी कीमत है 63 लाख रुपए। थर्ड नंबर पे है फरारी, जिसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। फोर्थ नंबर पे है बाइक रॉयल इनफील्ड बुलेट, जिसकी कीमत है 1.37 लाख रुपीस। और फिफ्थ नंबर पे है रॉयल इनफील्ड थंडर बर्ड, जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं उनके हाउस के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, कपिल शर्मा वर्सोना मुंबई में रहते हैं और इसी के साथ ही उनके घर की कीमत अप्रॉक्स 20 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। इसी के साथ में उनका एक और घर है अमृतसर पंजाब में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप कपिल शर्मा के फैन हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।